आवाम पर महंगी बिजली का एक और बम गिरने को तैयार। बिजली आए या ना आए मगर बिल अब ज्यादा आएगा। फी यूनिट 3 रुपए 12 पैसे का इजाफा। CPPA की दरख्वास्त पर नेप्रा कल समाप्त करेगा इजाफा। दिसंबर की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। इजाफे की सूरत में सार्फीन पर 30 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। जनूबी पंजाब में कोरोना कहर ढाने लगा। एक ही रोज में 297 अफराध वायरस का शिकार। बहावलपुर में एक मरीज जान से गया। मुल्तान में 75 और बहावलपुर में 73 अफराध कोरोना में मुब्तला। रहीम यार खान में 48 और डीजी खान में 38 केसेज रिपोर्ट। सरगोधा में 33, खुशाब 12, बिहाड़ी 10, खानेवाल और बहावल नगर से 4 अफराध वायरस का शिकार। कोरोना वायरस तालीमी इदारों में भी पंजे गाड़ने लगा। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की 16 तालिबात समेत 21 तलबा मुहलिक वायरस का शिकार। गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी भी 5 फरवरी तक बंद। रहीम यार खान में गवर्नमेंट स्कूल पर कोरोना का हमला। गवर्नमेंट स्कूल गढ़ी बेगढ़ के 5 तलबा और गवर्नमेंट स्कूल रहीम यार खान के 5 असातिज़ा का कोरोना मस्बत। दोनों स्कूलों को सील कर दिया गया। हसूल तालीम और तरक्की की राह में हायर रुकावटें कैसे होंगी दूर। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों के बच्चे जेवर तालीम से महरूम। इलाका जिंदा पीर में सिर्फ प्राइमरी स्कूल। नन्हे बच्चे और वालदैन का एहतजाज। इलाका वकीलों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा। बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, फैसला कल होगा। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। कमीशन पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का फैसला करेगा। इलेक्शन की तारीख का हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन ही करेगा। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। MPA अली हैदर गिलानी का ऐलान। कहा कि पीपल्स पार्टी के जियाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। जनूबी पंजाब तफरी सहूलियात में एक कदम और आगे। 130 अरब की लागत से बनने वाली 4 बड़ी सड़कों की मंजूरी। मंसूबों में चौक आजम और लैया में सड़कों की तामीर शामिल। हासिलपुर से बहावल नगर और बिहाड़ी ता दीपालपुर रोड भी फहरिस्त में शामिल। जनूबी पंजाब की 16 तहसीलों में साफ पानी और सफाई का मंसूबा भी मंजूर। मंसूबे पर 96 अरब लागत आएगी। किस सियासतदान ने कितना टैक्स चोरी किया। FBI का जनूबी पंजाब के सियासतदानों के खिलाफ घेरा तंग। खुटबुट के मामले पर अहम शख्सियात किरदार पर रहनुमा तहरीक इंसाफ मोहम्मद रजा हयात हराज के खिलाफ तहकीकात शुरू। रजा हयात के अहले खाना पर टैक्स गोशवारों में हकायक छुपाने का इल्जाम। तहकीकात के लिए हुक्मनामा जारी। मरने से पहले ही डेथ सर्टिफिकेट बनने लगे। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल मिंजनाबाद मोहम्मद अमीन ने मौत का सर्टिफिकेट बना दिया। एंटी करप्शन का मामले की तहकीकात का हुक्म। बहावलपुर में सेवरेज ज्यादा पानी से सब्जियों की काश्त। बंदरा पुली बस्ती भट्टियां में जहरीली सब्जियां उगाई जाने लगी। मुतलिका हुकाम की खामोशी से शहरियों के बीमार होने का खदशा। बिजली की बेहंगम तारें या झूठी मौत। मुल्तान घंटाघर में बिजली की लटकती तारों का बेहंगम जाल। साढ़ा साल से दरपेश मसला हल ना हो सका। मेट्रो और इंतजामिया मसाइल के हल में नाकाम। दुकानदारों की हुकूमत से संगीन मसले के हल की अपील। अलीपुर में बिजली के खंभे डावाडोल में फूटी। नाअहली का पोल खुल गया। फतेहपुर रोड पर हादसे का खदशा। बारह दी गई दरखास्तें भी मेपो को ना जगा सकी। शहरों का अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा। महकमा सेहत लैया की नाअहली को 3 बरस बीत गए। RFC बहावलपुर का एक्सरे यूनिट 3 साल से खैरख्वाल। मरीज इलाज की गर्ज से लैया या कोर्ट अदू जाने पर मजबूर। शहरियों का महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाज। नारेबाजी में एक्सरे यूनिट फॉल करने का मुतालबा। उधर RH सनामा अस्पताल में कुत्ते काटने की वैक्सीन नायाब। शहरियों को मुश्किल।
रिलीफ के नारे खोखले निकले। कहरोड़पक्का का इकलौता यूटिलिटी स्टोर शहरियों को सहूलत फराहम करने में नाकाम। शहरी सब्सिडाइज अशिया से महरूम। शहरियों का हुकूमत से गरीबों के हाल पर रहम करने का मुतालबा। कब्जा माफिया का किला गुमा करने का अर्ज़ लैया में माफिया के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई। 43 एकड़ छह कनाल रकबा बागुजार करवा लिया गया। काबिजीन अरसा दराज से जंगलात के रकबे पर काबिज थे। खाद का बहरान, गन्नों की फसल का करेगा नुकसान। अहमदपुर शर्किया में खाद की किल्लत से 60% फसल तबाह। हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ दिल खोल कर भड़ास निकाली। कहा कि हुकूमत फसल की तबाही की जिम्मेदार है। उधर मुस्लिम लीग नून का कोर्ट सुल्तान में एहतजाज। ज़िलाई रहनुमाओं और किसानों की शिरकत। मुतालिबात के हक में नारेबाजी। जनूबी पंजाब में नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज बनाने का ऐलान। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद ने खुशखबरी सुना दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास। डॉक्टर यासमीन राशिद ने कहा, आवाम के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नए सरकारी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। कदीर आबाद मुल्तान में तिबी सहूलियात की फरावानी होगी आसान। गैर क्वाल डिस्पेंसरी सिटी मेडिकल सेंटर में तब्दील। तर्जमान वजीर आला नदीम कुरैशी ने सेंटर का इफ्तिताह किया। कहा कि सीनियर डॉक्टर्स शहरियों की मसीहाई करेंगे। कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्ठा का शहर का दौरा। मुशीर सेहत हनीफ पताफी के हमराह तरक्याती कामों का जायजा लिया। वजीर आला के मुतवक्के दौरे पर मंसूबों के इफ्तिताही नवीद भी दी। कमिश्नर डी जे खान ने चोटी बाला रोड की तामीर के काम का जायजा लिया और लुभानी दफ में कबायली लोगों के मसाइल सुनकर हल्के अहकाम दिए। जनूबी पंजाब के एमफिल और पीएचडी असाज़ा के लिए खुशखबरी। एजुकेशन डिपार्टमेंट का 55 असाज़ा को इजाफी अलाउंस देने का फैसला। पीएचडी होल्डर्स को 10,000 तनख्वाहों के साथ दिया जाएगा। एमफिल असाज़ा को 5,000 तनख्वाह के साथ दिया जाएगा। और पंजाब टैलेंट हंट के मुकाबला जात मियांवाली में 200 से ज्यादा तलबा ने अपनी किस्मत आजमाई। अदब मौसीकी मसवरी और रक्स में महारत रखने वाले तलबा ने अपना लोहा मनवाया।